हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पकौड़े कढ़ी। तो ये टेस्टी तो होता ही है, साथ में हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इसमें पालक है। तो लेट्स सी। ये पालक मैंने धोकर इसे चॉप कर लिया है। आप रफली भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गल जाती है, तो इतना बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस चॉप कर लेना है। फ्रेश पालक मैंने लिया था और अब इसमें मैं थोड़े चॉप अनियन डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जितना आपको पसंद है कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने एक बड़ा अनियन चॉप किया है। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जीरा और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। पालक में ऑलरेडी सॉल्ट होता है थोड़ा, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग डाल लें। और थोड़ा बेसन, बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। जब आपको लगे कि ये बाइंडिंग अप हो रहे हैं, पकौड़े के शेप बना रहे हैं, तो फिर आप, और पालक में थोड़े पानी भी होते हैं, तो आप पहले ऐसे ही मिक्स करके देखो और फिर थोड़े थोड़े कर कर आप और डालते रहो। हाँ तो गाइज, इसको मैंने, इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला, ऐसे ही ये हो गया बाइंडिंग। और हाँ, उस टाइम मैं ग्रीन चिली डालना भूल गई थी, तो 2 ग्रीन चिली मैंने इसमें कट करके डाले। और बस इसको ऐसे गर्म ऑयल होने देना है अच्छे से। और मैंने ऑयल जानबूझकर कम लिया है क्योंकि ये जले हुए ऑयल नेक्स्ट डे यूज़ करना हेल्थ के लिए सही नहीं होता, इसलिए मैंने कम ऑयल लिया है। और बस इस तरह से आप इसको जिस तरह का शेप दे, राउंड बॉल, मैं पकौड़े टाइप का दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देना। थोड़ा सा, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे। हाँ तो फ्रेंड, इसको बस ऐसे चलाते हुए जब ये लगे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो फिर इसको आप प्लेट पे ऐसे निकाल लेना। सॉरी ये थोड़ा गिर रहा है, तो बस क्योंकि मैंने ये जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है कढ़ी में डालने से पहले। और यहाँ चूँकि हम लोग वैंकूवर में हैं, आज सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है, तो पकौड़े खाने का ऐसे भी ठंड में मज़ा ही अलग है। मैं स्नोफॉल के भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इस तरह से इसे निकाल लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारे पकौड़े रेडी हैं। वैसे आधे तो ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ ऐसे ही खाए जाते हैं पकौड़े। तो अगर आपको कढ़ी में सिर्फ डालना है, ऐसे नहीं खाना है, तो आप इसे थोड़ा कम भी फ्राई कर सकते हो। और हम जो ऑयल बचा था उसमें, उससे ही हमने बस 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा इस कढ़ी में ज़रूरत नहीं होती, तो कम ही लेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो, हम थोड़ा इसमें ज़ीरा डालेंगे, 2 टेबल स्पून ज़ीरा। और जब ये थोड़ा पक जाए, पकौड़े तो हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए थे, और इसे लो टू मीडियम ही रखेंगे, कढ़ी में बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमें। 1 रेड चिली धोकर, और जब तक ये हम गार्लिक 2-3 कली और 1 ग्रीन चिली भी मैंने कट करके ले लिए थे, और एक छोटा सा बिल्कुल या हाफ अनियन भी आप ले सकते हो। इसको पहले फ्राई करेंगे थोड़ा, जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन, आप अनियन भी डाल देंगे इसमें। ये देखो, ये हल्के से ब्राउन होने लगे हैं। आप चाहो तो इसमें 1 पिंच हींग भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, जिन्हें नहीं पसंद वो नहीं डालें, बस 1 पिंच। इसके बाद इसमें अनियन, चॉप्ड अनियन, और जब तक हमारा अनियन इधर थोड़ा फ्राई होता है, हम लो फ्लेम कर देंगे। और मैं दिखाती हूँ इसमें कढ़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें इसका एक पेस्ट या घोल बनाना है, तो हमने 1 कटोरी आप समझ लो दही लिया है कर्ड। और आप, मैंने तो फ्रिज से निकाला क्योंकि पहले से प्लान था नहीं कि कढ़ी बनानी है,
तो आपको अगर कढ़ी बनाने का पहले से मन है तो आप थोड़ी देर दही को बाहर नहीं, या अगर इवनिंग में बना रहे हो तो सुबह में निकाल कर रख दो फ्रिज से बाहर, या मॉर्निंग में बना रहे हो तो नाइट में ही निकाल कर रख दो, ताकि दही में थोड़ा एक चम्मच नमक डालकर छोड़ दोगे तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो उससे कढ़ी अच्छी बनती है, खट्टी बनती है, जिन्हें खट्टी दही पसंद है। और बस दो स्पून हम इसमें बेसन डाल रहे हैं और थोड़े मसाले, रेड चिली पाउडर, ये तीखे वाले नहीं हैं, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्चा, और थोड़ी सी हल्दी, दही वाली चीज़ें तो ऑब्वियसली जीरा पाउडर तो होना ही चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ, और बस इसको स्पून से मैं मिक्स करूँगी, और थोड़ा नॉर्मल सॉल्ट भी डालेगा। बस धीरे से इसको मिक्स करेंगे, और इधर हम अपना अनियन भी चलाते रहेंगे कि ये जल ना जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और मिक्स करें, पानी डालें और मिक्स करें, क्योंकि ये लम्स ना पड़े तो इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं और पानी डालते जाएं। और मैं अभी दिखाऊंगी कि किस तरह का खोवे हमें चाहिए, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा पतला, हालांकि थोड़ा लिक्विड ही रहता है, पतला ही। मिक्स हो गया, पानी इसमें ज़्यादा जाएगा तो हमें पतला ही खोल जाइए, क्योंकि इसमें बेसन है तो जब हम इसे पैन में डालेंगे या कढ़ाई में ये थिक होने लगती है, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पतला ही चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो दही को पहले ही स्पून से थोड़ा फेंक लें, मिक्स कर लें, ताकि ये जो फिकल के दही दिख रहा है मेरे में ये ना दिखे, मैंने पहले से नहीं किया, मैं बोल गई, पड़ा पहले से ही दही को थोड़ा मिक्स करके रख लें स्पून से, बस 4-5 बार इसे मिक्स करेंगे तो ये आसानी से। और बस इस स्टेज पर हम हमारे अनियन भी फ्राई हो गए हैं, उसमें बस धीरे धीरे करके खोल को डाल देना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, लो फ्लेम पे चलाते रहना है, इसमें जब बॉयल भी आए तो भी इसे चलाते रहना है। 20 मिनट्स आई थिंक लग जाएंगे, 20-30 मिनट्स इसको पूरी तरह से बनने में, क्योंकि ये थोड़ी थिक होती है, फिर इसमें पकौड़े लास्ट में डालते हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा बट टेस्टी भी लगता है। आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे राइस में खानी हो तो थोड़ा पतली कढ़ी भी रख सकते हो, रोटी या पराठे के साथ खानी हो तो थोड़ा थिक रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हाँ तो फ्रेंड्स, इसे चलाते हुए इसी तरह कंटिन्यूसली मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हो कि ये कलर तो चेंज हुआ ही, स्टार्टिंग में ये वाइटिश टाइप का लग रहा था, अब ये येलोइश हो गया है, और थिकनेस भी देखो हो गए हैं। और मुझे राइस के साथ खाना है तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करने वाली हूँ मैं, वैसे ये ठंडे होने के बाद खुद ही थिक हो जाती है, तो इसलिए ये ना सोचे कि अभी थिक नहीं हुई है तो नहीं होगी। और अब इसमें मैं अभी तो 5-7 मिनट्स ये और रहने वाले हैं, क्योंकि मैं पकौड़े डाल रही हूँ अब इसमें। और आप ये सोच रहे होंगे ये ग्रीन क्या है, तो ये मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली है, ये जिस बर्तन में हमने पकौड़े के लिए मिक्स रेडी किया था ना, उसी बर्तन में हमने कढ़ी के लिए भी दही और बेसन मिक्स किया, तो उसमें बची हुई पालक की जो पत्ती थी वो आ गए हैं, तो इससे वेस्टेज भी नहीं हुआ, ये कलरफुल भी दिख रहा है, और थर्ड हमारे बर्तन भी एक्स्ट्रा गंदे नहीं हुए। तो जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो ये सबका ध्यान तो रखना ही होता है कि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो हमारे। तो मैं अब इसमें ये पकौड़े डाल रही हूँ ताकि ये कढ़ी को एब्सॉर्ब कर सके। 5 मिनट्स और इसे मैं चलाती रहूँगी, इसे कंटिन्यूसली इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार चलाने, क्योंकि अगर नहीं चलाओगे तो ये दही फट सकती है इसमें, तो इसलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते रहना। बस ये बिल्कुल रेडी होने वाली है, 3-4 मिनट्स में अब ये होने वाला है, इसे गैस ऑफ कर देंगे। और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी रेसिपी दिखाऊं वो बिल्कुल होममेड फूड हो, घर में जो हमारे सामान रहते हैं, सामग्री रहती है उसमें ही बन जाए, हमें कुछ मार्केट दौड़ना ना पड़े, और हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो बस मैं ईजी रेसिपी ही बताऊँगी, बस ये 2-3 मिनट हो जाए इसे चलाते हुए, आप गैस बंद कर दो, फिर मैं ये गैस बंद करके आपको दिखाती हूँ।
तो बस ये अभी जस्ट मैंने गैस बंद किया, ये थिक हो चुकी है। पालक में पकने जैसी कुछ चीज़ तो होती नहीं, तो पकौड़े डाले, 3-4 मिनट्स छोड़ा ताकि उसमें अंदर तक फ्लेवर जाए पकौड़े में कड़ी की। और बस गैस बंद किया और मैं इसमें अब सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली गुजरात में थोड़ी खट्टी और मीठी कढ़ी प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन हमें थोड़ी खट्टी ही पसंद है और ये पालक वाले में तो बस ऐसे ही फ्लेवर पसंद है, आती है थोड़ी खट्टी हो। तो आप दही की जगह लस्सी या मट्ठा जैसे बोलते हैं वो यूज कर सकते हो, और दही है तो भी अच्छा। बस ये देखो, ये बस हमारी कढ़ी रेडी है। और सॉरी गाइस, अगर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो अगर कुछ वीडियो बनाने में मिस्टेक हुआ हो तो उसे इग्नोर करें, बस एंजॉय करें, आप भी ट्राई करें। थैंक यू।